Johnny. Watch. Hola. Johnny. Ecco. Bacia. Rani. भैया, जिन जालिमों की वजह से तुम्हें खुदकशी करनी पड़ी, आज मैं उन तक पहुंचने का रास्ता निकाल आया हूं। भैया, तुम्हारे प्यार की सौगंध, जब तक मैं इनसे तुम्हारे खून का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। सब रुपया इसका है।
नौजवान आओ मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? जय। क्या काम करते हो? कभी कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, बस कभी कभी दो चार हाथ ताश फेंक लेता हूँ। गुड। क्यों खाली पीली फेंकते हो? ये कहो, आंखों में धूल अच्छी झोंक लेते हो, पसीना पोछो। आप में होशियार मालूम होते हो, नौकरी करोगे? महंगी पड़ेगी आपको, फिक्र मत करो, यहाँ बहादुर आदमी के लिए किसी बात की कमी नहीं। और ईमानदारी से काम करोगे तो ये जगह जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, जन्नत का नजारा मैं देख ही रहा हूँ। ऐसा मुझे काम क्या करना होता? सिर्फ वफादारी। काम से भी, नाम से भी। मेरा नाम सिल्की है। तो बात पक्की? आओ, मैं सब समझा दूंगी। हेलो मिस्टर मेहता, अरे कमाल कर रहे हैं आप, राजा साहब का अपना कैसीनो है ये, क्या कल आ रहे हैं वो? अरे गोपाल, मैं जानता हूं काले खान कि सुनीता मुझे पसंद नहीं करती, और ये भी जानता हूं कि उसकी जिद के सामने राजा साहब घुटने टेक लेंगे। तो आपका क्या होगा सरकार? होगा वही जो हम चाहेंगे, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हुजूर, राजा साहब ने आपको याद किया है। फिर मिले। अपने मालिक सचमुच देवता है। कितना प्यार करते हैं अपनी बिटिया से, इसीलिए तो दूसरी शादी नहीं की। अब तो बिटिया यही रहेगी। तब तो इस सोने बंगले में कितनी रौनक आ जाएगी। यही बातें करते करते शाम कर दोगे क्या? जाओ अपने काम पे। तुम सुनीता के बारे में सोच रहे हो? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे मना दूंगा। वो तो भी बच्ची है, उसे क्या मालूम। भला तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहीं मिलेगा? लगा लो शर्त। राजा साहब, आपको तो शर्त लगाने की आदत है, लेकिन शर्तों की हार जीत पर जिंदगियों के रुख नहीं बदले जा सकते। आप तो जानते हैं कि सुनीता कितनी जिद्दी है। हाँ बेटे, अगर उसकी जिद मैं पूरी नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आखिर उसकी सवाई मेरा है भी क्या? हाँ, तुमने मेहता को अपने पहुंचने की इत्तला कर दी ना? जी। राजा साहब, आपके कहने के मुताबिक ये बैंक पेपर्स तैयार है, इल्तिजा दस्तखत कर लीजिए। जी, या? नहीं, या? ये पावर ऑफ अटॉर्नी। थैंक यू। और मिस्टर गोपाल, यहाँ पर भी आप दस्तखत कर लीजिए। तो राजा साहब, वापसी पे आप सुनीता को साथ ले आ रहे हैं। इसीलिए तो जा रहा हूँ मेहता। मिस्टर गोपाल, इनकी गैर हाजिरी में आप ही हमारे राजा साहब होंगे। बेशक, सब काम गोपाल ही तो संभालता है, अगर ये ना होता तो मैं इतना बड़ा कारोबार छोड़ के कहीं जा सकता था। अच्छा राजा साहब, कितने दिनों का प्रोग्राम है आपका? प्रोग्राम तो 2-3 महीने का है, लेकिन अगर दिल न लगा तो। क्या बात करते राजा साहब, दिल न लगे और आपका? अजी, आपके बगैर लंदन और पेरिस की रातों को जवानी कौन बख्शेगा? क्यों? जवानी की बातें भूल जाओ मेहता, अब तो जिंदगी जंगलों के हवाले कर दी। कभी कभार दिल बहलाने के लिए यहाँ चले आते। यस जी जी, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, आपकी कल रात किसी बॉम्बे से कंफर्म हो गई है। वेरी गुड। अच्छा चले, आपका रहने का इंतजाम कैसीनो रॉयल में। शुक्रिया। हाल में चलिएगा जी। जी हाँ, क्यों नहीं। क्या शक फरमाएंगे? इस वक्त तो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहो ले।
तो फिर चलिए। किस्मत आजमाएंगे? किस्मत तो आज अच्छी ही नजर आती है। तो आइए यहां तशरीफ रखिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए। मैं अभी कपड़े बदलकर हाजिर होती हूं। मुलाकात हुई राजा साहब से? हाँ, बड़े जिंदा दिल आदमी है। मगर हम दिलों का सौदा नहीं करते। हमारा बिजनेस है रुपया, सिर्फ रुपया। और आज की रात तुम्हारे सामने खजाना खुला पड़ा है। जाओ, पहले जय को बुला लो। लगे हमें कब पहचानोगे? देखो सांस कितनी तेज हो गई है। तुम्हारा साथ पाकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बाकी चाहने वालों का क्या होगा? बस यही एक कमी है तुम्हें, सुरूर आने से पहले ही जान छीन लेते हो। दूसरे सिल्की की एक नजर को तरसते हैं और तुम एक नजर से कुछ नहीं बनता। हमें तो सारी की सारी सालम सिल्की चाहिए। झूठे कहीं के। देखा ना, तुम्हारी बातों में मैं फिर भूल गई। चलो तैयार हो जाओ। ओहो, कहां ले जाकर तकी करने का इरादा है? तुम तो सिर्फ तड़पा नहीं जानते हो। यस बॉस, लगता है कि आज एक और गरीब फंसा। गैरों की बड़ी फिक्र है, कभी अपनों पर भी कर्म किया करो। घबरा नहीं, आसा में मालदार है। चलो तैयार हो जाओ। Thank you.
हार जीत तो होती ही रहती राजा साहब। ओह आइए ना, तशरीफ रखिए ना, यहाँ बिल्कुल सुकून है। लाइए, मैं कोट उतार दूँ। शुक्रिया। आराम से बैठिए। लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। पूछते हैं कि चाहते क्या हो, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। बहुत तो माशू का मेरी और पहलू बैर का माल मेरा लगे और मेहरबानी दूसरों पर हो। आग लगाओ इधर और बुझाओ उधर, कमीनी धोखेबाज कौन है ये? तुम कौन होते हो पूछने वाले? चुप रहो तुम, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। खबरदार जो राजा साहब को हाथ लगाया तुम। पीछे हट, राजा साहब पर हाथ उठाते हो। बाहरी आश की पूरी हड्डियों ने भी जोर दिखाया। खबरदार जो आगे बैठे, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पुलिस, खून, ये क्या खून? राजा साहब आप? हाँ ये खूनी है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। खून? राजा साहब पुलिस आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, जल्दी कीजिए, भागिए यहाँ से। मैं कहता हूँ जाने दो इनको, प्लीज इनको जाने दो, मैं कहता हूँ जाने दो इनको, जाने दो इनको। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लाख दो लाख चार लाख। क्या बात है भाई, क्या हुआ? ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया? मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मुझे मर जाना साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार देना, मुझे मार देना। तुम, मैं पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगा, छोड़ो मुझे। राजा साहब, ये मैंने जानबूझ के खून नहीं किया, मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। किसका खून, कैसा खून? तुम सब कुछ जानते हो, तुम पुलिस के साथी हो। मैं सच कहता हूं, गोली मैंने नहीं चलाई थी, मगर सिर की बात नहीं। वो क्यों बीच में आ गई गोली? सिल्की, क्या रिवॉल्वर आपका था? नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर रिवॉल्वर आपका होता तो सिल्की कभी बीच में नहीं आती। राजा साहब मैं कहता हूं सिल्की जिंदा है, लेकिन मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा है। ये चोरों का अड्डा है राजा साहब,
यहाँ हर चीज नकली होती है, जिंदगी नकली होती है, मौत भी नकली होती है। ये सब तुम कह रहे हो जो खुद उन्हीं के साथी हो। नहीं राजा साहब, मैं उनका साथी नहीं, मैं उनका दुश्मन हूँ। उन लोगों की वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी की है। मैंने इसलिए नौकरी की है ताकि मैं अपने भाई का खून का बदला ले सकूं। इसमें आपकी मदद की जरूरत है। वो किसी की क्या मदद करेगा जो खुद मुजरिम है। मैं साबित कर सकता हूँ आप बेगुनाह हैं। आपसे खून करवाया गया है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ के कानून के हवाले कर सकते हैं। वो कैसे? आप पुलिस के नाम खत लिख दीजिए। इज्जतदार आदमी बदनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। पाप के बोझ से झुकी आंखें और शर्म से घुटी घुटी आत्मा लेकर जिंदा रहने से खुदकुशी बेहतर है। मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद की देखभाल मेरा वफादार और ईमानदार मैनेजर गोपाल करेगा। हेलो, क्या कहा? लाश अभी तक नहीं मिली? अच्छा, तलाश जारी रखो। कसीनो से भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। उनका कमरा तो ऐसे था जैसे वहां कोई आया भी ना हो। मिस्टर गोपाल, आप भी तो उनके साथ आए थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, स्ट्रीट से चलते वक्त वो कुछ परेशान से थे। वैसे वो अपना राज कभी किसी पर जाहिर नहीं करते थे, मगर मेरा ख्याल है उनकी मौत का कारण उनकी बेटी है। क्या मतलब? मेहता साहब, जवानी अंधी होती है और फिर पराया देश, सर पर किसी का हाथ नहीं, कोई डर नहीं। हो सकता है उसे ऐसी कोई गलती, तभी तो उन्होंने उसको अपने साथ लाने का प्रोग्राम बनाया था। वैसे आप बेहतर जानते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। बेचारे सुनीता ये पढ़ लेती थी, उसकी क्या हालत होगी? वो तो आज लंदन एयरपोर्ट पे मुझे लेने आई होगी। कौन सुनीता? मेरी बेटी। मैं उसे लेने जा रहा था, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरी मौत का पढ़कर अगर वो कुछ कर बैठी तो। करने कराने वाला तो भगवान है राजा साहब। मेरा ख्याल है वो ये खबर सुनते ही फौरन चली आएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सबको समझा दूंगा। क्या समझा दोगे? ये कि मैं एक कैसीनो डांसर के कमरे में सरूप था, लेकिन खून मैंने नहीं किया। और चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, मैं दुनिया से मुंह छुपाए इस कमरे में बैठा हूं। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचे? ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा साहब, आपके पास उसकी पहचान की कोई चीज है? मेरे पास उसकी एक तस्वीर जो हाल ही में उसने मुझे भेजी थी। राजा साहब, ये मेरे भाई साहब थे। तुम कह रहे थे कि उन्होंने खुदकुशी की थी क्योंकि ये फर्म का रुपया हार गए थे। ये रुपया हारे नहीं थे राजा साहब, इनसे रुपया लूटा गया था। मतलब मैं आपको सबको समझा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। देने वाला सिपाही खुद चोरों की झोली भरने लग जाए तो खजाना खाली हो जाएगा, और अगर रसोईया पका पकाया खाना बांटना शुरू कर दे तो घर वाले भूखे रह जाएंगे। है ना? लेकिन हम भूखे मरने को तैयार नहीं है। हमने तुम्हें अपने फायदे के लिए रखा, नुकसान के लिए नहीं। इतनी बड़ी रकम के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? सिल के लिए। क्या मतलब? आज सिल की मेरी मेज पर नहीं थी और वो खिलाड़ी होशियार था। सिल्की का इसका मतलब है सिल्की के बगैर तुम किसी काम के नहीं। लेकिन सिल्की कहां है? उसे नौकरी से अलग कर दिया गया है। तुम झूठ कहते हो। उसे जानबूझ के नजरों से ओझल कर दिया गया है ताकि तुम्हारा शिकार जाए। मैं सब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। टाइगर, ले जाओ इसको। जरूर उसे जगह जाने की कोशिश कर रहा है। ले जाओ इसको।
आइए मिस्टर गोपाल, मुझे अफसोस है कि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मैं खुद परेशान हूं। और उधर स्टेट में जाने क्या हो रहा होगा। सच मानिए, अगर राजा साहब की सौंपी हुई जिम्मेदारी का ख्याल न होता तो मैं वहां कभी वापस नहीं जाता। मैं समझता हूं, मुनासिब समझे तो आप स्टेट जा सकते हैं, मैं आपको इतना देता रहूंगा। मगर सुनीता का टेलीग्राम आया, वो कल आ रही है, आप उसे मिलकर ही जाइएगा। नहीं नहीं, मुझसे उनका गम नहीं देखा जाएगा, मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। अच्छा हो अगर आप कुछ दिनों के लिए सुनीता देवी को यहीं रोक लें, हो सकता है शहर के माहौल में वो अपने गम को जल्दी भूल जाए। वैसे तो मेरे लिए जैसे राजा साहब वैसे ही सुनीता देवी। आप ठीक कहते हैं। थैंक यू मिस्टर मैम। से नाम है सुनीता, स्टेशन राजगढ़। काम की फिक्र मत करो, लाश तक नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी माल काम होने पर। जेल से भाग गया। क्या कहा? जय भाग गया, जाओ उसका पीछा करो। मैसूर एक्सप्रेस कितने बजे आनी है? अभी आधे घंटे के बाद आएगी। आप ये भी नहीं जानती कि राजा साहब जिंदा है और मेरे घर पर। मेरी दियारी जिंदा है? क्या सबूत है आपके पास? ये तस्वीर,
ये आपकी भेजी हुई तस्वीर राजा साहब ने मुझे दी थी। अब आप सिद्ध कीजिए, चलिए मेरे साथ। मगर मेरे कपड़े। तेरी जवानी की, इन बिजलियों की तड़प से डरकर शराब भी सहम उठी। लो अपने गरम गरम होठों से इस बिचारी में भी जान डाल दो। हमारी जान का क्या होगा,
तुम तो जाने जाना हो जाने मन, ये स्टेट, ये जायदाद, ये सब तुम्हारी ही तो है। लेकिन उसका क्या होगा जो लंदन से आ रही है? वो तो कब की अपने बाप के पास पहुंच चुकी होगी। सुनीता जी, कोई ऐसा आदमी जरूर है जो इनसे मिला हुआ है, जिसको आपकी और राजा साहब की मौत से फायदा पहुंच सकता है। मैं जानती हूँ कौन है वो। ये वही है जिसके कहने में डैडी आंख बंद करके चलते हैं। ये मुझसे शादी करके सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसने चाल सोची होगी। आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? क्या आपको लड़का पसंद नहीं आया? मुझे तो उसे देखे हुए 5 साल हो गए हैं, तभी मैं उसे नफरत करती थी। खैर, डैडी की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। एक एहसान और कीजिए, मुझे डैडी से मिलवा दीजिए ताकि गोपाल को पुलिस के हवाले किया जा सके। बेटा मिठाई ले और खा और खेल। है ना? अरे तुम्हारी उम्र बच्चों से खेलने की नहीं है। सुनीता जी, मैं आपकी बेताबी समझता हूँ, लेकिन राजा साहब को अब तक यकीन नहीं आया कि पिसल की जिंदा है। वो अब भी अपने आप को कातिल समझते हैं। सबसे पहले हमें सिल्की का पता लगाना होगा, और अगर आपको गोपाल पर शक है। मुझे तुम्हारे सरदार के पास चलिए बाबू जी, चलिए बाबू जी। वहां सरदार, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मुन्नी को? इस बाबू ने भैया की जान बचाई, अगर आज ये नहीं होते। हाँ सरदार, ये बहुत जवान मर्द है। हाँ, पानी में छलांग लगाकर बच्चों को निकाल लिया। बाबू, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इस बच्चे की जान बचाकर तुमने सारे कबीले पे बड़ा एहसान किया। तुम जाओ तो हम अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सरदार। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहो। अकेले चलिए। आओ आओ ले से। कौन है तुम लोग? हम लोग बंजारे हैं सरकार। तुम हलती होगी मैं बाप। किसने तुम्हें यहाँ डेरा डालने की इजाजत दी? जानते नहीं हमारी जमीन है? क्यों झूठ बोलते हो सरकार? ये जमीन सारी भगवान की है, तुम तो सिर्फ उसके चौकीदार हो। क्या पता है? आय हाय, तू समझे नहीं बाबू, इसका मतलब ये था कि जमीन इंसान की नहीं भगवान की हो गई। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ये छबेली है सरकार, ये मेरी जोरू है। ए खबरदार ने जोरू कहा, अभी तेरे साथ शादी नहीं हुई, जब शादी हो जाए तो पीछे जोरू बोलना। क्यों बाबू, ठीक है ना? तू इससे शादी करने वाली है? शादी करना तो नहीं चाहूं बाबू, मगर ऐसा लगता है करनी ही पड़ेगी। वो क्यों? अपने कबीले में तो बस यही है कंधों में काना राजा। अरे तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मर्दों की क्या कमी? ए छला इधर आ,
एक बाबू क्या कहे? ये बाबू लोगों के चक्कर में आएगी तो पछत पाएगी। अरे तेरे संग रह के कौन सा सूप लूट रही हूँ? क्यों बाबू? बड़ी तेज छोकरी है सरकार, सारे कबीले को उंगली पर नचाती है। तो तू नाचना भी जानती है? तू देखेगा नाच? डेरा लगा दू बाबू, थोड़े ही इनका करने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, हवेली के उस तरफ खाली जमीन पर। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शिकार करने, दूर के खेत में एक शेरनी नजर आई। बगैर बंदूक के? कसम तेरी जवानी की, गोपाल हाथ से शिकार करता है। घबराओ नहीं, काले खान के पास बंदूक है। हम कब के हो चुके हैं, बस अभी तक दम नहीं निकला। और फिर तुम्हें देखकर किस काफिर का जी चाहेगा मरने को?
कसम तेरी जवानी की, इस ज्वालामुखी में बार बार जलने को जी चाहता। कहाँ गए थे? कह तो दिया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। याद रखो, लड़की को नाचना भी आता है और नचाना भी। मुझसे धोखा अच्छा नहीं होगा। सिल्की, आधा बजा लो तुम हजूर। दिन दिन गला है। आओ काले खान, तबीयत मचल गई। रात से दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ये पूछने के लिए आया था मालिक, क्या बंजारनों को नहाने की इजाजत आपने दी है? क्यों? वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं अभी तालाब की तरफ से आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या जवान छोकरियां थी। मैं तो तुमसे मिलने आया था। सच्ची? हाँ सच्ची। नहाएगा हमारे साथ? नहीं शबिली, मुझे तैरना नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, चल हम सिखा देंगे। चल चल। बड़ी सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तो घर जाकर बिस्तर पे लेट जा। अब तेरे बगैर तो कब्र में भी नहीं लेट सकूंगा। चल घर चलते हैं। मैं ना बाबा ना, घर में जो पहले ही रख छोड़ी है वो काम नहीं तोड़ डालेगी मेरी। किसकी हिम्मत है जो तुझको कुछ कहे, वो तो मेरे पाँव की जूती है, जब चाहूं निकाल फेंकू, समझी? आज मेरे लिए उसे निकाले, कल किसी दूसरे के लिए मुझे निकाल देगा। तुम्हारी जान की कसम छबीली, तुझे तो मैं अपनी रानी बनाकर रखूंगा। देख बाबू, तेरी बातों में आकर उल्लू बनने वाली मैं नहीं। मेरी जान उल्लू तो मैं बन गया हूँ, सारी रात जाग कर काटी। मेरे पीछे लगे तो सारी उम्र इसी तरह काटनी पड़ेगी। छोड़ मुझे, मुझे डेरे पर जाना है। मैं भी चलता हूँ। क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? वो देख लेगा तो गजब हो जाएगा। वो कौन? छेला। और कौन? मैं जाऊं? तुम, मैं शाम को डेरे पर आ जाऊंगा। ना बाबा, छेला को सब पड़ जाएगा। तुम नहीं मिलोगी तो मुझे आना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन शाम को नहीं, अंधेरा होने के बाद। तो अब मुझे बाहर जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अपनी औकात मत भूलो सिल्की, तुम मेरी नजर में अब भी एक मामूली नाचने वाली हो। यही बात थी, तुमसे शादी का वादा क्यों किया था? वादा ही किया था ना, तुमको वादे की कीमत मिल जाएगी। उस 2 करोड़ के बंजारन के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मैं चाहूँ तो उसे 2 करोड़ की बना सकता हूँ। खबरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। इस किसको रास्ते से हटाओगे? सोच लो, सौदा महंगा पड़ेगा। मुझे धमकी दे रही हो? काले खान, ले जाओ उसे और बंद कर दो उस पुराने अस्तबल में, दिमाग ठीक हो जाएगा।
कसम तेरी जवानी की, तेरी जैसी खूबसूरत और दिलदार औरत नहीं देखी। सच? बिल्कुल सच। चल कहाँ? बंगले में। और कहाँ? हाय दिया। तेरे हुस्न की आग में तो मैं अकेला जलना चाहता हूँ। अकेला? हाय दया, अकेले घर में तो मैं बहुत डरूं। डर किस बात का, मैं जो साथ हूँ। इसी बात को तो डर है, महाराज जात का क्या भरोसा? भरोसा तुमको मुझ पर नहीं? अरे तुझ पर भरोसा नहीं होता तो यहाँ क्यों आती? उसकी बात करो। किसकी? मेरी होने वाली खसम की। बड़ा सच्ची मिजाज है, क्या पता मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाए। तो चलो वहां चले। हाँ, चलो, चलो। कौन है? मैं हूँ, खाना लाया हूँ। किसने भेजा? किसी ने भेजा नहीं है जी, मैं लाया हूँ आपके लिए। तू लाया है भोला जी? तुम्हें मेरा इतना ख्याल है जी, आपने भी तो अच्छी। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ जी? बहुत सुंदर। हाय कितना अच्छा नजारा था, मगर उस काले खाने आकर सब मजा खराब कर दिया। कितना सुंदर सपना था। ओ, अब खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। कैसे खाऊंगी? पहले मेरे हाथ तो खोल। भूल ही गया। तूने खाना खाया था ना? जी नहीं, मैं खाने बैठा था कि आपका ख्याल आ गया। तो ले खा ले। एक निवाला और खा लेना। हाय राम, कोई आवे? यहाँ कोई नहीं आ सकता शिवली। तूने किसी चलने की आवाज नहीं सुनी? अरे इस वक्त तो सिर्फ मेरी सांस चल रही है, तुझे उसी की आवाज आई होगी। कहाँ है तुम? मैं भोला। सिल्की? ये है सिल्का जी, पर है उनका। लेकिन सिल्की कहाँ है? मैं मिर्च खा गया हूँ, वो मेरे वास्ते पानी लेने गई है। अगर आपको मिल जाए तो जल्दी भेज देना। मैं सिल्की। छबिली, अगर तू इसी तरह तड़पाती रही तो ये आवाज हमेशा के लिए रुक जाएगी। तेरी सांस चले ही रुके, मैं और नहीं रुक सकती, बहुत देर हो गई है। हट, जाने दो मुझे। छबिली, इतने पास लाकर जाने देना नहीं सीखा है मैंने। तू चाहे तो ये पैसा, जेवर, हवेली सब जाने दूं तेरे लिए, मगर तू आज नहीं जाएगी। ये तो इसी लालच में आई है बाबू, ये तेरे साथ नहीं जाएगी, ये मेरे साथ आएगी। जेवर चाहिए तो मैं तुझे ले दूंगा। बेशरम, शादी करेगी मेरे संग और मजे करोगी औरों के साथ। ए छबिला, क्या करता है? मत बोल बाबू, चल मेरे साथ। आज सरदार को फैसला करना ही होगा, देरी बनकर रहना है तो कल शादी कर ले। अगर रोज नया यार चाहिए तो कबीला छोड़ दे। ये भी छोड़ देगी तेरा कबीला, जाके कह दे अपने सरदार से कि तेरे साथ शादी नहीं करेगा। बाबू
इतनी आसानी से नहीं छोड़ दूंगा इसे, मैं अपनी जान भी दे दूंगा इसके लिए। इधर आ, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे दूं? छोड़ दे बाबू वरना मैं। आदिबाजी तो आज जीत ली हमने, राजा साहब सिल्की को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और सबसे बड़ी खुशी तो उन्हें तुम्हें देखकर होगी। सुनीता तुम सो जाओ। और तुम? मेरी फिक्र ना करो, मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी?
छोड़ोगी नहीं तो क्या करोगी? जो दिल चाहेगा। क्या चाहता है तुम्हारा दिल? दिल की बात तो दिल ही जानता है, पूछो ना अपने दिल से। मेरा दिल कहता है। क्या कहता है? राजा साहब उनकी राजकुमारी सौंप दो और मैं उनसे अपनी छबेली मांग लूं। मुलाकातों में प्यार की घातों में मिल गई बातों में मन की डोरी। तो मुलाकातों में प्यार की घातों में मिल गई बातों में मन की डोरी। आके वो ख्वाबों में बस गई आंखों में चांदनी रातों में चोरी चोरी। गोरी के काजल में अटक गया दिल मेरा, हाय रे हाय दिल मेरा, मैं क्या करूँ हाय, ये नैन क्यों मिलाए, निकल नहीं जाए मेरी जान। गोरी के आंचल में अटक
अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा, लटक गया दिल मेरा, भटक गया दिल मेरा। चलो सुनीता, पहले कि अपना रंग दिखाए इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दो। खूनी धोखेबाज, जैसे सारी दुनिया को खत्म करने का ठेका ले रखा है तूने। मुझे खत्म करने से पहले अपनी जान की फिक्र कर। जिस राजा साहब की मौत जानकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है, वो राजा साहब जिंदा है। क्या बात, कहां है वो? तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिंदा है? बोलती क्यों नहीं? देखती क्या?
देख रही हूँ। इतने बड़े बड़े खूनियों का रंग क्यों फिरा पड़ गया? आज समझ में आया, दूसरों की जान लेना बहुत आसान है, मगर जब अपनी जान पर आती है तो आवाज रुक जाती है, आंखें फैल जाती है और रंग उड़ जाता है। बकवास मत करो, पहले ये बताओ कि राजा साहब कहाँ है, वरना गला ढूंढूंगा। खून डालो, गला मार डालो मुझे, फिर मेरे मुर्दा जिस्म से पूछ लेना कि राजा साहब कहाँ। कौन है? ले जाओ इसे और कड़ी निगरानी रखो इस पर। जानते हो मुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने सुनीता और जय को बातें करते सुन लिया था। क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही है, तुम्हारे आदमी ने तो सुनीता की लाश को भी पानी में फेंक दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अभी अभी जय के साथ सुनीता को भी दरिया में फेंक कर आया हूँ। राय साहब का पता लगाओ। अगर हमारी बोट में डूबती जाएगी तो सिल्की इस वक्त आपके सामने होगी। तुम मेरी नजरों के सामने हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान का शुक्रिया अदा करूं या जय का। आज इसी की वजह से मैं जिंदा हूं और तुम मुझे मिली। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब। जो वादा मैंने किया था वो पूरा नहीं हुआ, सिल्की अभी तक नहीं मिली। अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ये सब उन्हीं लोगों की शरारत थी। और आप जानते हैं ये सब गोपाल का काम। गोपाल? जी हाँ, ये उसी की चाल थी। वो आपकी सारी जायदाद को हड़प करना चाहता था और मैं खुद ही सारी जायदाद उसे सौंप रहा था। देख नमस्कार डैडी, आप उसे फौरन गिरफ्तार करवा दीजिए। गिरफ्तार कराने के लिए सबूत चाहिए और सबूत सिर्फ सिल्की है, इसलिए उसका पता लगाना जरूरी है। मैं छोटू मोटू को लेकर उसकी तलाश करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। जी डैडी। हाँ बेटी, और मैं सॉलिसिटर से मशवरा करता हूँ। राजा साहब आप जाइए। तुम मेरी फिक्र मत करो, महता मेरा आदमी है और फिर मैं तो दुनिया की नजर में मर चुका हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक है। लेकिन यार हमें तो कैसीनो के लिए डांसर की जरूरत है, बीवी की नहीं। ये बुरका हाय 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 हुजूर, डरता हूँ उसने मासूम को देखकर लोग कहीं बुत परस्ती न भूल जाए। खैर आपसे पैसा पड़ता, पैसा पड़ता। बस हुजूर यह समझिए कि लखनऊ की सारी नजाकत लिपटी हुई सिमटी हुई आपके रूबरू हाजिर है। हुजूर यह गुल बदन भी है, शोला बदन भी, तलुए आफताब भी, जलवे महताब भी, गली की चिकट भी है, डाली की लचक भी है। हुजूर अगर ये जुल्फे खोल दे तो सूरज की रोशनी रुक जाए, और अगर कहीं होठी ला दे तो कुहू कोयल चहकना भूल जाए, और अगर एक नजर भरकर देख ले तो धड़कते दिल की धड़कन बंद हो जाए। बस हुजूर आप इसे अपनी बेटी समझिएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है हुजूर, मैं तो सिर्फ इसे आप तक मिलाने आया था, कभी कभार आके मिल जाया करूंगा। लेकिन ये स्टेज पर नाच सकेगी? क्या फरमाया हुजूर ने, आज ये नाच सकेगी, ये तमाम महफिल को नचाएगी, हाथ कंगन को आस ही क्या है। चलो बेटी, हाँ शाबाश।
जय शक। शुक्रिया, हुजूर ने पहली बार अपनी बेगमात के साथ हमारे होटल की रौनक बढ़ाई है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। शुक्रिया। किसी भी चीज की कभी कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं दफ्तर में ही। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर। इन्हीं एक नए कमरों में से सिल्की जरूर मिलेगी। तुम लोग उस तरफ तलाश करो, मैं इस तरफ देखता हूं, मगर जरा होशियारी से। कमरे छान मारे मगर वो छुपी है कहां। दूसरी तरफ चलते ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। तो चलो। सामने कमर सीधी करके चलना वरना मुसीबत करवाएगी। आज वो राहते जान दुश्मने ईमान मेरी नूर चश्म नूरी और मेरे परिस्तान की हूर हूरी कहाँ है। अभी हाजिर होती है हुजूर। आज हम नूरी के हाथ से जाम पियेंगे। क्यों मेरी जान? नूरी ये नकाब कैसा? शायद हुजूर को याद नहीं, और नूरी के अब्बा हुजूर शेख मुस्तफा इब्ने शेख मूसा वाली नकलिस्तान फिलहाल सबर करो नूरी, तुम जा सकती हो, आज हमारी खिदमत हूरी ही करेगी। हूरी अपना हूर सा चेहरा तो दिखाओ। जरा पर्दा तो हटाओ। पर्दे में ही रहने दीजिए। ओ मैं सदके मैं कुर्बान, अल्लाह बचा इसकी जान। हूरी नूरी की आवाज क्या हो गई? हुजूर, आप शायद बेवा हो गई। इनका तो जिस्म भी सर्द है, इनका तो चेहरा भी सर्द है। नूरी इसकी सूरत नहीं, हुजूर बेहिजाब पी गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं होश में हूँ। कुंवर साहब आप यहाँ इस वक्त? शायद हम गलत कमरे की तरफ आ गए हैं। वो डांसर पिंकी, पिंकी आप इतनी भागी है क्या? भागी है वो तो हमारे दिलो दिमाग पर छा गई है। दिल गया, चैन गया,
नींद भी आंखों से गई, एक हसीन याद को सीने से लगा रखा। सिगरेट? अरे नो थैंक यू, हमारी रियासत चलेगी। तख्त छिन गया, तख्त लावारिस हो गया, लेकिन दिल और दौलत अभी तक हमारे कब्जे में, और वो हम हर हसीन के कदमों में दिन रात लुटाने के लिए तैयार। खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, आप तो खुद क्यूपिड का मुजस्मा मालूम होते। क्यूपिड? हसीनों का देवता। ओह थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गौहर साहब, कल रात कैसीनो के रंग महल में आपके दिल का हर अरमान पूरा कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसा रंग जमाइए जैसे इंद्र सभा का नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाए, आपके कसीनों के हर एक हसीना हमारे सामने बने, हमारी प्यासी निगाहों से कोई भी दूर ना रहे। ऐसा ही होगा कुंवर साहब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। गुड नाइट। गुड नाइट। कुंवर के भेष में जय, और शायद पिंकी के भेष में सुनीता। गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। जवान रातों में हर किसी हसीना की मैं नींद चुराता हूँ, मैं नींद चुराता हूँ। हर शहर में चर्चा है, मैं सभी हसीनों के ख्वाबों में आता हूँ, ख्वाबों में आता हूँ। मेरी बातें तो हैं सबके लब पर, मैं हूँ हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता। जिस जगह भी तुम जाओ, हर सनम की आंखों में तस्वीर है बस मेरी, तस्वीर है बस मेरी। तुम किसी से भी पूछो, हर हसी के कदमों में जंजीर है बस मेरी, जंजीर है बस मेरी। वो मिट जाए जिसको देखे हंस कर, हसीनों का देवता, हसीनों का देवता। गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाले, कहते हैं मुझको हसीनों का देवता,
हसीनों का देवता, हसीनों का देवता, हसीनों का देवता, हसीनों का देवता, हसीनों का इस खूबसूरत कैंची से कबरदार जो है शराब हम तो कैंची की धार को देखना चाहते थे, हाथ से नहीं। बस वो दोनों नहीं मिले, जब तक वो नहीं मिलते इन दोनों का यहां रहना खतरे से खाली नहीं। इनको पुराने किले में ले जाओ। ओके बस, और गोपाल को इतला कर दो। ओके सुनीता। हाँ हाँ सुधार, उसे ऊंचे किले में बंद कर दिया। और किले की दीवारें भी बहुत ऊंची हैं, और बलोक बाहर पैरा भी दे रहे हैं। हम दोनों को बचाना हमारा फर्ज है। इधर मोटू, तू इधर, तू एक लारी का और खाली पेटियों का इंतजाम कर। खाली पेटियां? वो क्यों, उससे क्या होगा? ध्यान मोटू, सब समझ लेंगे। तू क्यों घबराता है? तू इधर। हाँ मगर गड्डी नहीं मिलिया। क्या वो गल ये की है, सादा अफसर कहता है
कि कंपनी में कोई गड्डी नहीं है, जब गड्डी मिलेगा तो हम भेज देगा। अरे यार तुझे सारा काम करेगा, सारा काम करेगा, हम सारा दिन कुछ कर देगा, तुझे सारे डब्बे उतार दे। हेलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी दीवार सुनीता दोनों भाग गए। क्या कह रहे हो? घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ, जल्दी करो। संभालो, ये तीन पहिए के मोटर को तुम संभालो, मैं अपने मोटर को संभालता हूं, जल्दी संभालो। उस्ताद कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ हाँ डब्बे रास्ते के बीच फेंकते रहना। हाँ
रास्ता तो बंद है। वो रही बेटी, आओ उधर चलो। चलो सब हथियारों को कानून के हवाले कौन करता है? एक बार मेरे हाथ से बचकर निकली थी, आज कहां जाऊंगी? चलो मेरे साथ। जबरदस्ती क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। कपड़े पहन लूं या? झूठी अदाओं को मैं खूब समझता हूं, मुझे धोखा देने की कोशिश ना करना। धोखा? धोखा तो मैंने खुद खाया है जय, तुम्हारी कसम, मैं खुद इस जहन्नुम से निकलना चाहती थी। जी हाँ, से ले चलो, मैं बताऊंगी इन सबकी काली करतूतें, मैं सबूत दूंगी गोपाल के खिलाफ। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं। एक बार तो विश्वास करके देखो, यकीन मानो मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जय, यहां से निकलना इतना आसान नहीं। सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, हमारे तीन पहियों के गाड़ी का पेट्रोल खलास हो गया, यानी की गाड़ी खलास हो गई। अब क्या होगा? चलते भैया, चलते चल चल भैया, 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 अरे अच्छा मैं मुझे भी बांध दिया, मुझे भी बांध दिया मोटू, अब क्या होगा? अरे झाड़ के पूछा। Ha ha ha!
बहुत बार उनके हाथों से निकलना चाहा, लेकिन मजबूर थी। राजा साहब, आपने मुझे माफ करके मुझे शराफत की जिंदगी बसर करने का मौका दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं दिखाऊंगी उनके काले कारनामे, मैं बताऊंगी पुलिस को उनके खुफिया अड्डे। जय, सुनीता अभी तक नहीं आई। उसे कब कहा जाना चाहिए था? छोटू मोटू भी उसी के साथ गए हुए हैं। सिल्की, तुम यहां ठहरो, मैं उसे देख कर आता हूं। सिल्की तो हाथ से गई, और अब अगर सुनीता भी यहाँ से भाग गई तो हमारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। दिल छोटा मत करो, अब एक रास्ता और है। बेटी को बाप का पता तो मालूम होगा। हाँ ये तो है। तो लो फिर काम बन गया। ये क्या? जय की चिट्ठी सुनीता के नाम। रात को कमरे का दरवाजा खुला मिलेगा, होशियारी से बाहर निकल आना। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा जय। सुनीता कहाँ है? गोपाल वो मरे नहीं। हाँ, और वो सुनीता को भगा ले गए। चलो मेरे साथ। राजा साहब, सिल्की, राजा साहब। दबा के मारेंगे। इस पर कभी निगरानी रखो। गोपाल, काम हुआ? हाँ, तो वो तुम्हारे पास भिजवा दिया। गुड। और जय, मेरा हिस्सा मिलते ही वो तुम्हारे कदमों में होगा। ओके। okay.
राजा साहब का खून और लाश गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी स्कीम है, और इसी स्कीम के मुताबिक एक तरफ राजा साहब के दिल में विश्वास और हमदर्दी पैदा की गई और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ दोस्ती और प्यार का नाटक खेला गया। सुनीता, वो तो कुदरत को मेरी सच्चाई और ईमानदारी की लाज रखनी थी जो मुझे ये फोटो मिल गई, वरना मैं तुम्हें कितना ही समझाता, कितने ही सबूत पेश करता, लेकिन तुम यकीन नहीं करती मेरी बात। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैं तो ये समझता था कि ये बचपने की जिद है, आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। मुझे ये पता नहीं था कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को इस तरह ठुकरा दोगी। राय साहब आज होते तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, चाहे ज़बरदस्ती क्यों न करनी पड़े। मुझे शाम तक इसका जवाब चाहिए। दीवार क्यों? तुम? मैंने कहा था ना, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। सिल्की, औरत जिंदगी की बाजी कभी नहीं हारती।
तुम जीती मैं हारा। जाने मन कसम तेरी जवानी की, तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है। लाख शुक्र है कि उसने हर मुसीबत में तुम्हारी मदद की और तुम्हें कामयाब बनाया। चलो मेरे साथ। अरे कहां लग जा मेरे गले, ये बात हुई ना। बाबा क्या किया तुमने कमाल। राजा साहब ये है कबीले के सरदार और ये है उनकी बेटी। अच्छा अच्छा, ये इसकी कीमत बाहर निकलती है राजा साहब। हाँ मैं जानता हूँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। ओरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा,
अटक गया दिल मेरा, गोरी के आंचल में अटक गया दिल मेरा, अटक गया दिल मेरा, मैं क्या करूँ है ये नैन क्यों मिलाए, निकल नहीं जा